Hi everyone, this is Jay Minto, सुष्मिता त्रिपाठी and I welcome you all to the official YouTube channel of All Import. स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में. अगर आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सब सही है तो एक बार बताओ और हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं. ओके, ग्रेट. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन. ओके, हु अमंग यू पीपल हैड योर ओके वेट पीपल हाँ ये क्या हुआ है. हाँ, आप में से कितने लोगों का आज पेपर था ईएसआईसी का? गुड इवनिंग डियर, कैसे हो? किसी का नहीं था. ओके विजय, यू हैड योर एग्जामिनेशन, हाउ डिड इट गो? अच्छा हुआ, बढ़िया गया. I had seen the question और मुझे ऐसा लगा कि question level ऐसा था जो मतलब doable था, मतलब question ऐसे tough नहीं थे. In fact दो तीन question ऐसे भी थे जो दो दिन पहले, जैसे विडा वाला जो question था, विडा वाला question अगर आप लोगों को याद हो तो कल के session में आप ही लोग revision में बता रहे थे कि विडा launch किया है हीरो मोटोकॉर्प ने and all these questions. तो ऐसे भी कुछ questions थे जो दो दिन पहले discuss हुए थे. In fact मुझे लगता है RBI assistant वाले से भी 5-6 question आए हुए थे. सो बढ़िया है. वही मैं बोलने वाली थी, आरबीआई असिस्टेंट विल बी फुल ऑफ सरप्राइजेस, सो डोंट एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम दिस. ये बहुत टफ हो सकता है, ईएसआईसी की तरह नहीं हो सकता, ये बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाए तो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन यहाँ से मत कहना, ठीक है? थैंक यू सो मच विजय. नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन, चला जाए अपनी क्लास को हम लोग शुरू किया जाए, ठीक है? और फटाफट करते हैं क्वेश्चंस को हम लोग. सैटरडे संडे का मुझे फील ही नहीं आता है, बिकॉज हर बार ही सैटरडे संडे में मेरे साथ में यही रहता है कि सैटरडे की रात भर क्लास, संडे की सुबह से क्लास. सो कल सुबह आप लोगों की क्लास रहेगी कितने बजे से? 8 बजे से. वीकली करंट अफेयर्स डोंट फॉरगेट, ओके? 8 AM वीकली करंट अफेयर्स हर संडे को मैं कराती हूँ, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आप लोगों का अभी जश्न ईद ऑफर है, ओके? और जश्न ईद आपका 30th of April से 4th of May तक है, तो आज से लेके अगले 4 दिनों तक है. खास बात ये है यहाँ पे कि आपको जितने भी, अगर आप 6 मंथ की वैलिडिटी लेते हो तो आपको 2 टाइम्स मिल जाएगी, यानी 12 मंथ, प्लस आपको 20% ऑफ भी मिलेगा. जितने भी आपके बैंकिंग सब्सक्रिप्शन है सभी पे ये आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है आप लोग ले सकते हो. लाइक इफ यू आर प्लानिंग कि आप बैंकिंग लाइट लो, बैंकिंग एलीट, बैंकिंग सुपर एलीट, कहीं पर भी आप लोग चाहो तो उस ये कोड अप्लाई करिएगा SUSHMITA, ओके? और इससे आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा किसी भी कोर्स पे या मॉक टेस्ट पे. आरबीआई असिस्टेंट की आपकी क्लास चल रही है, बिसाइड ऑल्सो द CCGCPO. सो रिमेंबर, टू गेट 40% यू कैन यूज एनी अदर कोड, बट टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड बेस्ट डिस्काउंट यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर कूपन कोड SUSHMITA, ओके? नाउ लेट अस मूव टू द सेशन ऑफ टुडे. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस PSU हैज साइंड एन MOU विद IREDA टू सेट अप अ रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट एट इट्स हेडक्वार्टर? GRSL, HAL, मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स, भारत डायनेमिक, अरे लो ये अपने आप चला गया, और गोवा शिपयार्ड, बताइएगा. फर्स्ट आंसर आई एम गेटिंग फ्रॉम वीनस ई, एनीवन एल्स? ओके, मैं गायब हो गई हूँ शायद, इसलिए सब लोगों को लग रहा है कि क्लास ही नहीं हो रही. रुको मैं आ जाऊं वापस से. लो मैं आ गई. हाँ भाई, देखो अगर हम बात करते हैं अभी भी किन्होंने एक MOU साइन किया, एवरीवन इज आंसरिंग CGE, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो दे हैव साइंड इट विद गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ओके? गोवा शिपयार्ड के साथ में किया है. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी हियर विल बी ई, ठीक है? ई के साथ में किया है इन्होंने. और बेसिकली क्या कर रहे हैं, दिस इज एन MOU विद गोवा शिपयार्ड टू प्रोवाइड इट्स टेक्नो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज टू सेट अप अ रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट, रिमेंबर, ओके? अपार्ट फ्रॉम दिस रिमेंबर, ये जो दोनों कंपनीज हैं, ये दोनों PSUs हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर. टॉकिंग अबाउट IREDA, तो कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि IREDA को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपीज दिए ताकि ये अपने प्रोजेक्ट्स को फिनेंस कर सके. IREDA को बनाया गया था 1987 में, ठीक है? हेड ऑफिस इज इन न्यू दिल्ली, एंडेक्स यहाँ पे आपके चेयरमैन कौन होते हैं? तो दैट वुड बी प्रदीप कुमार दास. रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? हु इज द चेयरमैन? प्रदीप कुमार दास जी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, रिसेंटली मरीन एक्सपर्ट हैव डिटेक्टेड द ताहिती प्रिस्टीन कोरल रीफ ऑफ द कोस्ट ऑफ ताहिती आइलैंड. द आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, USA और फ्रांस?
ओके सो आई एम गेटिंग आंसर एज सी दैट इज फिलीपींस. एनी वन एल्स? आयुष इज आंसरिंग ए. एम एस तनवीर आयुष. ओके सो कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं. सी द आंसर यू विल बी व्हाट द आंसर यू विल बी. एक्चुअली सब लोग गलत बता रहे हो. द आंसर विल बी फ्रांस. ठीक है तो देखो जरा. अ कोरल रीफ हैज बीन डिटेक्टेड इन ताहिती एन आइलैंड इन फ्रेंच पॉलिनेशिया. द डिस्कवरी वॉज सपोर्टेड बाई यूनेस्को. द रीफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ताहिती प्रिस्टीन कोरल रीफ. अपार्ट फ्रॉम दिस मरीन एक्सप्लोरर्स हैव डिस्कवर्ड अ प्रिस्टीन 3 किलोमीटर कोरल रीफ एट डेप्थ ऑफ 30 मीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ ताहिती फ्रेंच पॉलिनेशिया. फ्रेंच पॉलिनेशिया इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन 100 आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्रांस. ठीक है इमैनुअल मैक्रॉन को ये बात आपकी अच्छी नहीं लगेगी. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम फ्रांस से रिलेटेड कुछ बातें कर लें तो आपको याद होना चाहिए कुछ दिन पहले फ्रांस ने और जो बाकी इनके साथ में सदस्य थे जो लोग माली में अपनी ट्रूप्स भेजे हुए थे वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया और इन्होंने कहा है कि इसे माली से शिफ्ट करेंगे कहाँ नायगा में. कितने सालों के बाद ये ऐसा कर रहे हैं? ये ऐसा 9 साल के बाद करने वाले हैं फ्रांस सरकार ने कहा है. एक और भी बात याद रखे रहिएगा आप सभी लोग कि ये ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि फ्रांस और माली की सरकार में कुछ अनबन हो गई थी. फिर क्या याद रखे रहिएगा? जो यूरोपियन यूनियन है यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी इस साल के शुरू के 6 महीने में रहेगी फ्रांस के पास और उसके बाद से ये कहाँ चली जाएगी? उसके बाद से ये शिफ्ट हो जाएगी जेक रिपब्लिक को. ओके तो ये पॉइंट भी ध्यान रखे रहना बड़ी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट 6 मंथ फिर ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स. ठीक है अच्छा जब फ्रांस यहाँ पे अपनी प्रेसिडेंसी रखेगा तो शुरू में ये क्या करेगा इसकी थीम क्या होगी कि आप लोग मुझे बता सकते हो? एनीवन? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट अगेन. हाउ मच इज द फॉरेस्ट एरिया कवर विज अ विज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन इंडिया? 24%, 10%, 5, 12 और 17. व्हाट इज द आंसर? देखो भाई अब जैसे आप लोग देख सकते हो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फॉरेस्ट एरिया कवर कितना है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का भारत के अंदर. द आंसर इज इसमें भी कुछ लोग डी बता रहे हो विच इज रॉन्ग. द आंसर हियर विल बी 24%. ठीक है देखो जरा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में इंडिया की रैंक है 3rd पोजिशन पे ग्लोबली इन एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम 2010 and 20. ठीक है तो 2010 से 20 के बीच में जो फॉरेस्ट एरिया नेट गेन है उसमें भारत की रैंक है 3rd पर. पिछले 10 सालों में इंडिया ने एवरेज 2,66,000 हेक्टेयर एडिशनल फॉरेस्ट हर साल कवर किया है. फॉरेस्ट कवर भारत के अंदर 24% है जो आप देख सकते हो. एरिया अकाउंटिंग फॉर 2% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल फॉरेस्ट एरिया. ओके अपार्ट फ्रॉम दिस मध्य प्रदेश में 11% है इंडिया की टोटल फॉरेस्ट कवर का जो कि लार्जेस्ट है. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र. अगर हम बात करते हैं बाकी की तो जिनके टर्म्स ऑफ हाईएस्ट प्रपोर्शन है उनके लैंड के हिसाब से तो ये सबसे ज़्यादा आपका मिजोरम है, देन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड. जैसे आप देख सकते हो जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं इनके पास में 66% विश्व का फॉरेस्ट एरिया है. कौन कौन सी टॉप 10 कंट्रीज़ हैं? सबसे आगे है ब्राज़ील 59%, पेरू 57%, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 56%, रशिया 50%. ठीक है तो इन लोगों का जो है मैक्सिमम पोर्शन जो है ये फॉरेस्ट के अंदर है. खैर आपसे जो पूछा था द आंसर विल बी 24. What is the percentage of fiscal deficit allowed to the state in the union budget? ठीक है जो basically state gross domestic product का जो इनको बोला गया है कि आपको fiscal deficit allow किया जा रहा है कितने तक कर दिया गया है? 4, 2, 3, 1.7 or 2.3. So see. जैसे आप लोग देख सकते हो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कितना अलाउ किया गया है. द आंसर हियर विल बी व्हाट? 4%. 0.5% एड ऑन कर दिया गया है. ठीक है देखो जो फिस्कल डेफिसिट है स्टेट्स का ये स्टेट को अलाउ किया गया है फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4% ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ विच 0.5% विल बी टाइड टू द पावर सेक्टर. यानी कि जो भी इसमें लोग अपने एंड से लेते हैं जैसे आप लोग कह सकते हो लोन वगैरह जो भी ले रहा है इसमें से ओवरऑल में 0.5% सिर्फ और सिर्फ पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए ही होना चाहिए. अभी आप लोग देखते हो कि पावर आउटेजेस भी बड़े भयानक हो चुके हैं तो कहा गया है कि ओवरऑल 4% अलाउड है आप लोग ले सकते हो इतने तक का लोन कर सकते हो लेकिन इसमें से जो 0.5% है ये स्पेसिफिकली आप पावर सेक्टर को दोगे. नेक्स्ट विच स्टेट गवर्नर हैज़ रिलीज्ड प्राकृतिक वैदिक एवं जैविक खेती ग्रामीण उद्यमिता का नया स्वरूप बुक? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश. ये क्लास हर डे हो रहा है 8 बजे.
अब तो पांच हो भी गई, पांच ही और बची हैं. सो द आंसर विल बी व्हाट पीपल. आई एम गेटिंग आंसर्स इज जम्मू एंड कश्मीर. देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन्होंने रिलीज किया है किताब प्राकृतिक वैदिक एवं जैविक खेती ग्रामीण उद्यमिता का नया स्वरूप. इस बुक को पब्लिश किया गया था 14वीं संस्कृत संस्थान कठुआ में. ठीक है, तो ध्यान रखे रहो. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको और क्या याद रखना होगा, जम्मू कश्मीर जो कि अभी एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, यहाँ पे 114 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स होती हैं. ठीक है, और क्या आप लोग मुझे बता सकते हो यहाँ के आपके चीफ जस्टिस कौन होते हैं? हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? एंड ऑल्सो रिमेंबर कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया जा रहा है, तो लैवेंडर को प्रोडक्ट कंसिडर किया गया है किसका? डोडा डिस्ट्रिक्ट का. ओके, ये भी ध्यान रखे रहो. यप, पंकज मित्तल, वेरी गुड. ठीक है, अच्छा जम्मू कश्मीर रिलेटेड अगर हम लोग हल्की और बातें करें तो देखो इनका जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अभी बना हुआ है वो 2019 का है. 31st of October 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया था? इन्हें बना दिया गया था एक यूनियन टेरिटरी. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखे रहिएगा. कल हम लोगों ने पढ़ा कि अभी जो है चेनाब पर एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आया जिसका नाम है क्वार, और इसकी जो कैपेसिटी है दिस इज 540 मेगावाट. ठीक है, तो चलो अगला देख लेते हैं. विद विच इंस्टीट्यूशन हैज झारखंड साइंड एन MOU टू एम्पावर द स्टेट फॉरेस्ट इकोनॉमी? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, IIT बॉम्बे, IIM अहमदाबाद, IIT दिल्ली, IIM बेंगलुरु. व्हाट इज द आंसर बताइएगा जरा. ओके, सो अभी जैसे आप लोग देख सकते हो, हाँ जैसे अभी आप लोग देख सकते हो कि कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ में झारखंड सरकार ने एक MOU साइन किया ताकि स्टेट की फॉरेस्ट इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सके, है ना? इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ISB. वेरी गुड. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद ने साइन किया है MOU झारखंड के साथ ताकि एम्पावर कर सके स्टेट की फॉरेस्ट इकोनॉमी को. पर्पस क्या है कि जो भी झारखंड का फॉरेस्ट इकोनॉमी है उसको बेहतर किया जा सके लोकल कम्युनिटीज को कनेक्ट करके. ओके, देखो कभी भी अगर तुम लोग को ऐसा लगता है कि आज के आसान तुम लोग आसानी से आंसर दे पा रहे हो तो समझ जाना उस दिन मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया. आज मैं क्वेश्चन नहीं बनाया क्योंकि मेरी क्लास लगी हुई थी तो मुझे टाइम नहीं था. ठीक है, इसलिए आराम से हो जा रहा है. अब मैं कोशिश करूंगी कि बाकी पाँचों दिन के मैं खुद बना लूँ जिससे कि हम लोग एक और अच्छे लेवल को कर सकें, है ना? हालांकि अभी तक अच्छे लेवल आपको दिए गए, आज भी सही है लेवल, बट डूएबल है. हम लोग को थोड़े और टफ लेवल पर वर्क करना है, isn't it? खैर, तो ये हमने देख लिया कि हाँ भाई ये तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ में इन्होंने MOU साइन किया है ताकि ये मिलकर के क्या कर सके, मिलकर के ये लोग अपनी फॉरेस्ट इकोनॉमी पे वर्क कर सके. फिर स्टूडेंट भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, भागे क्या करा जाए, कहाँ तक पकड़ सकते हो? वो पकड़ के नहीं है. ठीक है, और उसके बाद बस सब सेशन में ये कहने आते हैं कि पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया क्योंकि सब पढ़ते ही नहीं है. अच्छा चलो, झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल झारखंड सरकार ने अपने वहाँ पे सामर कैंपेन लॉन्च किया था फॉर फाइटिंग द माल न्यूट्रिशन. ठीक है, तो एक तो ये याद रखे रहो. फिर इन्होंने हमार आपन बजट ये पोर्टल लॉन्च किया था ताकि लोग अपनी राय दे सकें. ओके, अभी भी झारखंड का जामतारा डिस्ट्रिक्ट ऐसा बन गया है जो अपने वहाँ पे 118 ग्राम पंचायत में क्या करेगा, लाइब्रेरी शुरू करेगा. ओके, तो ये बातें याद रखे रहो. कौन यहाँ पे आपके CM होते हैं? हेमंत सोरेन जी. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट अगेन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर फॉर द ईयर 2021-22? LIC, जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया अश्योरेंस, ICICI प्रोडेंशियल और नन ऑफ द अबव? तो देखो अब जैसे आप लोगों से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स में से नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? यप, द आंसर हियर विल बी ICICI प्रोडेंशियल. ठीक है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स में से ये तीन होते हैं, ये इसमें से एक नहीं होता है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर. दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस इसको अपॉइंट करने वाला आपका IRDAI होता है. कहा जाता है कि जो भी ऐसे हमारे वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनका बिजनेस बहुत ही बड़ा है, जिनको हम कह सकते हैं टू बिग टू फेल, इन्हें हम लोग DSII के अंदर इंक्लूड करते हैं. तो फिलहाल में आपका ICICI प्रोडेंशियल तो नहीं है, पर ये तीनों है. अगर आप लोगों को याद हो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो भारत सरकार है ये हमारे वहाँ पे जो बाकी के गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनको रीफाइनेंस करने वाली है. क्या आप लोग बता सकते हो किस अमाउंट से इन्हें रीफाइनेंस किया जा रहा है? Anyone who can answer? एक और बात याद रखे रहो आप लोग, IRDAI का जो बोर्ड होता है उसमें 10 मेंबर्स होते हैं. कितने मेंबर्स होते हैं? 10. ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं.
What is the maximum limit on per transaction under RBI's framework for a small value offline transaction in the digital mode? 2,500, 1,200 or 5,000? चलो अब जैसे आप लोग यहां देख सकते हो, आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्या मैक्सिमम लिमिट है पर ट्रांजैक्शन की। देखो तुम लोग हर बार एक चीज़ में कंफ्यूज रहते हो। जो आपसे पर ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है वो होगी आपकी 200, ठीक है, लेकिन एक ट्रांजैक्शन में आप मैक्सिमम 200 कर सकते हो ट्रांसफ़र। उसके बाद से एक ओवरऑल टाइम में आपका जो अकाउंट है, मान लो आपने एक बार 200 ट्रांसफ़र किया, एक और बार किया, ऐसे कर करके आप मैक्सिमम उसे 2,000 तक कर सकते हो। जब आपने 2,000 खर्च कर दिया तो उसको वापस से आप उसे 2,000 रिचार्ज करोगे, तब जाके आप उसे फिर खर्च कर सकते हो। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, 200 आंसर होगा, जो कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन पे आपकी लिमिट है, ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ ए स्मॉल वैल्यू ऑफलाइन ट्रांजैक्शन वुड बी ₹200। द टोटल लिमिट फॉर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन ऑन अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट शैल बी ₹2,000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये बात आप लोग याद रखे रहेगा, ठीक है। अगला देख लो फिर, हु हेड्स द टास्क फोर्स ऑन मल्टी प्लेटफॉर्म फॉर नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क फॉर्म बाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू एक्सप्लोर द फीजिबिलिटी ऑफ रोलिंग आउट 6G इन इंडिया। भारद्वाज, अमृतूर, जी महालिंगम, राव इंद्रजीत सिंह, शेष पॉल वैद्य, नीतू डेविड। व्हाट इज द आंसर? आज तो तुम लोग यार गजब, आज बिल्कुल तादाद चल रही है क्लास की। क्या हो, क्या गया है? सब आराम कर रहे हैं आज। यस, इसका आंसर क्या है बच्चों? सब लोग गलत बता रहे हो। इसका आंसर होगा, कुछ लोगों ने सही बताया, द आंसर हियर इज मिस्टर भारद्वाज अमृतू, ठीक है। जी महालंगम जी की मार्केट स्ट्रक्चर गवर्नेंस पे इनकी अभी एक कमेटी बनाई गई है इनके अंडर सेबी के द्वारा। राव इंद्रजीत सिंह की हम बात करें तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना है पैरालंपिक्स वगैरह में, उसके लिए इनकी एक कमेटी बनाई गई है। शेष पॉल वैद्य की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जो विलेज डिफेंस कम्युनिटीज़ हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा हिंदू रिमोट विलेज हिली एरियाज में, कश्मीर वगैरह में। नीतू डेविड की कमिटी बनाई गई है वुमेन सिलेक्शन के लिए BCCI के द्वारा। तो सारे आंसर्स गलत थे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारद्वाज अमृतू, ठीक है, इनको याद रखे रहो, मार्केट गवर्नेंस, ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह जी को पैरालंपिक्स, ये जम्मू कश्मीर हिली हिंदू एरियाज, नीतू डेविड वुमेन सिलेक्शन कमिटी, ठीक है। चलो अगला देखो, द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस 2021 एंड कलेक्शन ऑफ डिटेल्स टू अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हैव बीन पोस्टपोन्ड एट लीस्ट टिल सितंबर 2022। अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल डेटा कंपाइल्ड बाय RGI टिल जून 2021, द नंबर ऑफ सेंसस टाउन हैज इंक्रीज फ्रॉम 3892 इन 2011 टू हाउ मच इन 2021, 4780505063204500 or 7700। What is the answer? देखो बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका आंसर है आपका 5050। जैसा कि पहला फेज आपका सेंसस 2021 और जो डिटेल्स कलेक्ट किए गए हैं NPR के अपडेटेड के हिसाब से, उसको पोस्टपोन किया गया है। तो कहा गया है कि अब जो भी सेंसस होगा वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, उसके बाद से अभी डिलिमिटेशन एंड एवरीथिंग, तो ये टाइम लगेगा। सितंबर 2022 के लिए इसको पोस्टपोन किया गया था। अब जो प्रोविजनल डेटा आई थी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्होंने बताया था कि जो सेंसस टाउन है हमारे देश में, ये 3892 से बढ़ करके कितने हो चुके हैं, 5050 हो चुके हैं 2021 में। ये पॉइंट आप लोग याद रखे रहिएगा। कभी भी अगर हम लोग बात करते हैं सेंसस की, तो हमारे वहाँ पे सेंसस को कंडक्ट कराने का काम होता है रजिस्ट्रार जनरल का, जो अभी फिलहाल में विवेक जोशी जी हैं। ओके, पहली बार जो सेंसस कंडक्ट किया गया था ये 1872 में किया गया था, लेकिन फिर इसको ऑफिशियली कब किया गया, 1881 में। जो पहली बार किया गया था ये लॉर्ड मायो के अंडर किया गया था, ठीक है। चलो, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ फ्री मोबाइल टैबलेट स्कीम फॉर स्टूडेंट्स? झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। हाँ,
अब जैसे आप लोग देख सकते हो, आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्टेट ने लॉन्च किया एक फ्री मोबाइल टैबलेट स्कीम स्टूडेंट्स के लिए, तो इसका आंसर क्या है? इसमें उत्तर प्रदेश कहाँ दिया है? उत्तराखंड होगा, उत्तर प्रदेश ने किया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ दिया तुम्हें? झारखंड है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, तभी तो आसानी से हम कर सकते हैं। द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी उत्तराखंड। ठीक है, तो ये अभी अभी उत्तराखंड सरकार ने जो है लॉन्च किया था। लगभग 2.65 लाख स्टूडेंट्स जो क्लास 10 और 12 या डिग्री कॉलेजेस के हैं उन्हें दिया गया था। 12,000 जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर भी दिया गया था लोगों को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बात आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आप लोगों की सीट्स, हाँ लोकसभा की आपकी सीट्स होती हैं कितनी होती हैं? एनीवन 5। और राज्यसभा की कितनी होती हैं? 3। ठीक है, और उत्तराखंड को किससे किनारे करके बनाया गया था? उत्तर प्रदेश से बनाया गया था किनारे करके, कब? 2000। अच्छा तुम लोगों को याद है यार, 2000 नवंबर में। ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड को यूपी से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, चलो फिर अगला देख लो भाई। Which of the following operation has been launched by India to airlift Indian national from Ukraine? Operation Safe Homecoming, Bharti, Vande Mataram, Madad or Ganga? Okay. जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ये मुझे लगता है सबसे आसान है, इसका आंसर होगा ऑपरेशन गंगा। इंडियन एयरफोर्स C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैज नाउ बीन डिप्लॉयड इनटू ऑपरेशन गंगा फॉर एवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्रॉम यूक्रेन। तो ये तो चलो हमने देख लिया। अब अगर हम लोग थोड़ी सी यूक्रेन की और बातें करें, तो देखो जो लैंड मास होता है, किसकी बात हो गई? लैंड मास। लैंड मास के हिसाब से पूरे यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री होती है रशिया, और रशिया के बाद में होती है यूक्रेन। ठीक है, ये सबसे बड़ी कंट्रीज होती हैं, रशिया और यूक्रेन, याद रखे रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ में यूक्रेन में जो है ये बोस्ट करता है, इनका एक सुपर फर्टाइल सॉइल होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, उस सॉइल का नाम याद रखे रहो, शायद बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए। इसका नाम होता है शर्नोजम। क्या नाम होता है? शर्नोजम। ओके, इसका नाम होता है, और बेसिकली इसी को ब्लैक वो भी कहते हैं, ब्लैक अर्थ कहते हैं रशिया में कई लोग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, खास बात इसकी ये होती है कि ये मॉइस्चर स्टोर कर सकता है। क्या कर सकता है? मॉइस्चर स्टोर कर सकता है, और हाई एग्रीकल्चरल यील्ड्स देता है। तो ये आपका यूक्रेन में होता है, जो कि बहुत खास बात है वहाँ की। और अगर आपको पता हो कि कहीं ना कहीं यही रीज़न है, यूक्रेन को क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप इसी से कहा जाता है, क्योंकि जो इनकी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब ग्रेन्स जो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है बाकी यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, तो ये शर्नोजम जरूर याद रखिएगा, खास तरीके की सॉइल होती है जो यूक्रेन में पाते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका यूक्रेन। अगर हम लोग बात कर लें यूक्रेन की, तो एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की, हमारे हर रात के 10 बजे वाले सेशन में ज़रूर आते हैं। ठीक है, और आज आप लोग के ESIC में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, कितना ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज सिम्बॉलिकली पोर्ट्रेड इन द स्पेशल लोगो विच वॉज रिलीज टू कॉमेमोरेट 75 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बेल्जियम? एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राइनोसॉरस, पीकॉक और डुगोंग? ओके, तो अब जैसे आप देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा, ये द आंसर है विल बी पीकॉक। ओके, ध्यान दो, जो लोगो है ये पीकॉक होता है विद नेशनल फ्लैग ऑफ बोथ द नेशनल सिंबलाइज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ इंडियाज नेशनल वर्ड। सो द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी पीकॉक। और अगर आपको याद हो तो जो बेल्जियम है ये यूरोप के अंदर ही आता है। ओके, और एक और बात, यहाँ पे किसका हेड ऑफिस होता है? दो का, एक नाटो याद रखे रहो, और दूसरा क्या याद रखना? स्विफ्ट। ठीक है, इन दोनों का हेड ऑफिस बेल्जियम के ही अंदर होता है। नेक्स्ट, विथ विच कंट्री हैज इंडिया अग्रीड टू फॉर्म अ जॉइंट हाइड्रो डेवलपमेंट कमिटी टू फर्दर एक्सप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ वायबल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? नेपाल, फ्रांस, मालदीव्स, भूटान और श्रीलंका? व्हाट इज द आंसर? अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आपसे क्या पूछा है, किस कंट्री के साथ में भारत ने कहा है कि वो एक जॉइंट हाइड्रो डेवलपमेंट कमिटी पे जो है वर्क करेंगे ताकि डेवलपमेंट किया जा सके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का? ऑप्शन क्या होगा?
द आंसर है विल बी नेपाल। ठीक है, ध्यान दीजिए, नेपाल और भारत ने कहा है कि ये लोग जॉइंट हाइड्रो डेवलपमेंट कमेटी बना रहे हैं ताकि फर्दर एक्सप्लोर कर सके डेवलपमेंट ऑफ वायबल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमालयन नेशन विद अ फोकस ऑन स्टोरेज। जो दोनों साइड है इन्होंने अग्रीमेंट भी की है अपनी 9th मीटिंग में, और नेपाल और इंडिया की जो 9th मीटिंग हुई थी, ठीक है, ये आपकी कहाँ पर हुई थी ये आप लोग बताओ मुझे, किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से होने का मतलब क्या, वर्चुअल मोड में हुई थी या कहाँ पर हुई थी, बहुत आसान सा सवाल है हालांकि। अच्छा, अगर हम बात करते हैं नेपाल की, तो देखो नेपाल, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री होती है। क्या होती है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है ये, यानी कि इसके साइड में कोई भी वाटर बॉडी नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस। पीएम कौन होते हैं यहाँ के? पीएम हो जाते हैं शेर बहादुर ड्योबा। ओके, शेर बहादुर ड्योबा। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं बच्चों? प्रेसिडेंट होती हैं विद्या देवी भंडारी। ठीक है, और क्या याद रखे रहो आप लोग, कि जो यहाँ का आपका पार्लियामेंट होता है इसे क्या कहते हैं? फेडरल पार्लियामेंट। ये आप लोग याद रखे रहना। अगर हम बात करते हैं नेपाल की, तो देखो जो नेपाल है, नेपाल को इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि इन्हें यूरिया और DAP फर्टिलाइजर सप्लाई करेगा। ठीक है, और क्या याद रखे रहो, हाँ, नेपाल ऐसा पहला देश बना है जो कि इंडिया का UPI अपने वहाँ पे डिप्लॉय किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोग ज़रा याद रखे रहेगा, और कुछ और पॉइंट्स को याद रखो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि नेपाल के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का नाम क्या है? नेपाल सेंट्रल बैंक्स गवर्नर नहीं, बताइएगा ज़रा। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट मल्टीलैटरल एजेंसी टू ओपन एन ऑफिस इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी? NDB, ADB, AIIB, EIB और KFW। कौन ऐसी पहली संस्था बनी है जो कि गिफ्ट सिटी के अंदर अपना एक हेड ऑफिस, सॉरी ऑफिस शुरू करेगी? इसको मत गलत बताओ यार, ये तो बहुत ही आसान है। द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी NDB। NDB ने कहा है। ठीक है, तो NDB जो कि आपका शंघाई में स्थित है, और यहाँ पे आपके चीफ कौन होते हैं? मार्कस ट्रॉयजो। ठीक है, ये अपनी पहली ऑफिस शुरू करेगी। कहाँ पर ये शुरू करेगी? गिफ्ट के अंदर, मतलब इनकी पहली ऑफिस भारत के गिफ्ट के अंदर होगी। ऐसे तो है इनका अपना ऑफिस, बट ये और शुरू करेगी। इसके पहले मैंने बहुत डीप में आपको सब पढ़ा रखा है, सेशंस डेली देखा करो आप लोग। अपार्ट फ्रॉम दिस ये याद रखे रहेगा कि NDB के 4 नए सदस्य बने हैं। कौन कौन से? UAE, बांग्लादेश, हाँ वेरी गुड, ठीक है, UAE, बांग्लादेश, इजिप्ट, और एक और कौन सी कंट्री थी? UAE था, बांग्लादेश था, इजिप्ट था, और वेरी गुड, दैट वुड बी उरुग्वे। ठीक है, तो अब ज़रा एक बात ध्यान दो आप लोग, कि ये जो UAE, बांग्लादेश और उरुग्वे हैं, इन्होंने एक साथ इसको नए सदस्य की तरह ज्वाइन किया, इजिप्ट ने बाद में किया। तो इजिप्ट चौथा ऐसा नेशन था जो कि नया सदस्य इसमें ज्वाइन हुआ है। NDB क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स नेशंस का होता है ताकि ब्रिक्स कंट्रीज को सपोर्ट कर सके, डेवलप कर सके, इसी का नाम बदल के NDB कर दिया गया था। ठीक है, तो ब्रिक्स में जो भी देश है वो तो इनके सदस्य हैं ही। अभी कुछ दिन पहले UAE, बांग्लादेश, उरुग्वे इससे जुड़े थे, और फिर कुछ दिन के बाद इजिप्ट भी जुड़ गया। तो इजिप्ट ऐसा चौथा सदस्य था जो इससे नया में चौथा सदस्य था जो जुड़ा था। ठीक है, विच टीम हैज वन रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग? व्हाट इज द आंसर? नाउ दिस इज एन इजी क्वेश्चन, आपसे पूछा है कि कौन सी टीम को रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग, अभी भी कौन सी टीम जीती है? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? कोलकाता थंडरबोल्ट्स प्रोड्यूस्ड अ ब्रिलियंट ऑलराउंड डिस्प्ले टू आउटस्मार्ट अहमदाबाद डिफेंडर्स। ठीक है, तो हमें ये तो जानना ही चाहिए कि कौन जीता था, और हमें ये भी जानना चाहिए कि किसको हराया है। ठीक है, सो ये आपकी विनर थी एंड डिफेंडेड दिस। ठीक है, ये आपकी रनर अप हो गई। ओके, यस, नाउ अगेन मूविंग टू नेक्स्ट। मुझे ऐसा लग रहा था ये सब बहुत आसान सवाल है, मुझे तो ऐसा लगा था तुम लोगों से ये कुछ लोगों से गलत हो रहा है। थोड़ा और पढ़ो अभी और बच्चों। Which state has signed MOU with Bhabha Atomic Research Center for setting up Dung-based power plant in Gothans? Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Kerala, Tamil Nadu or Odisha? DB, B, B, yes. So, iska answer kya hoga? Iska answer hoga aapka
छत्तीसगढ़ सरकार जो है भाभा के साथ सॉरी बाघ के साथ में मिलकर के कही है कि सेट करेगी डंग बेस्ड पावर प्लांट्स गोथांस में, ठीक है, ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है, जरा आप लोग याद रखे रहेगा, ओके यहाँ पे देखिएगा। ओके अपार्ट फ्रॉम दिस ये ध्यान रखो कि इन्होंने दो एमओयू साइन किए थे, पहला तो छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी बाघ के साथ में किया है, ठीक है। 2020 में जो स्टेट गवर्नमेंट है इन्होंने गोधन न्याय योजना भी शुरू किया था, ओके तो ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखो। अपार्ट फ्रॉम दिस छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में 90+1 सीट्स होते हैं, राज्यसभा में कितने होते हैं 5 होते हैं, और लोकसभा में कितने होते हैं 11 होते हैं, ठीक। फिर ये किससे अलग हुई थी, एमपी से अलग हुई थी, 1 नवंबर 2000 को ये बनाई गई थी एमपी से अलग करके, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग करके, और ये एमपी से अलग करके बनाई गई थी, ओके। और क्या याद रखे रहो कि यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले कौशल्य मातृत्व योजना शुरू किया गया था, कौशल्य मातृत्व योजना, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखे रहो। नेक्स्ट, व्हेन वाज प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना लॉन्च्ड, ये तुम लोगों का होमवर्क है, मैं तुम लोगों के साथ में इसे डिस्कस नहीं करूंगी, टेक इट एज योर होमवर्क, ठीक है। वी आर मूविंग, यहाँ पे आपके सामने है लेकिन कोशिश करना सेशन के बाद इसे लिखो भी जरा। अगला देखो, अभी भी हाल फिलहाल में यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था कि सेटअप किया जाएगा एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक प्रोमोशन टास्क फोर्स को, ताकि टैलेंट बूस्ट किया जा सके एनिमेशन और गेमिंग सेक्टर के अंदर। फिलहाल में इंडिया के पास लगभग 10% का शेयर है ग्लोबल AVCG मार्केट के अंदर। इंडिया का पोटेंशियल टारगेट जो ग्रोथ का है इस सेगमेंट में 2027 तक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में कितना बढ़ सकता है, और कोई, बस एक ही आंसर आ रहा है, ओनली आयुष इज आंसरिंग, नो वन एल्स इज आंसरिंग, ओके अगेन आई गॉट वन मोर आंसर एज बी, ठीक है। तो देखो जो गवर्नमेंट है इन्होंने कहा है ये क्या करेंगी, ये एक एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स शुरू करेंगी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि फिलहाल में तो 10% इनका शेयर है, लेकिन आने वाले समय में 20-25% तक बढ़ेगा 2027 में, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, बी इज रॉन्ग, ओके याद रखे रहेगा। ये भी कहा जा रहा था कि पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा जो ऐसे आपके प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं ये चाइना में होते हैं, आफ्टर चाइना इट इज़ इंडिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके प्रोफेशनल गेमर्स हैं। तो अगर शुरू किया जाए अपने वहाँ पर और एक्टिवली शुरू कर दिया जाए अपने वहाँ पर इस सारे फील्ड को, तो इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेमर्स होते हैं प्रोफेशनली जो खेलते हैं, या जो AVCG सेक्टर है यहाँ का काफ़ी अच्छा है, तो स्टार्टअप्स उसमें आएंगे, ये सेक्टर ग्रो करेगा, उससे हमारे देश को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसलिए इसके लिए अब नया रेगुलेशन पॉलिसी भी लॉन्च करने की बात होगी, और ओवरऑल इसमें अब सब कुछ प्रोफेशनल कर दिया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 20-25%, ओके। चलो अभी इसके लिए एक आपकी कमिटी भी बनाई गई थी AVCG की, किसके अंडर, अश्विनी वैष्णव जी के अंडर। कहाँ पर ओलंपिक्स बॉलवार्ड जो है डेवलप किया जा रहा है, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ओके, नाउ आई एम गेटिंग आंसर एज ए एंड सी, दीज आर द टू डिफरेंट आंसर्स दैट आई एम गेटिंग। सी द आंसर विल बी व्हाट, इट इज द दिल्ली, ठीक है। तो जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट दिल्ली है इन्होंने डिसाइड किया कि ये डेडिकेट करेंगे लगभग 1 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच नॉर्थ दिल्ली में ओलंपिक चैंपियंस को, जैसे नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, रवि दाहिया और बाकी लोग। जो स्ट्रेच है इसको कहा जाएगा ओलंपिक विथी या ओलंपिक बॉलवार्ड। ये पार्ट होगा दिल्ली सरकार के एम्बिशियस स्ट्रीटस्केपिंग प्रोजेक्ट का। इसको डेवलप किया जाएगा रोड नंबर 51 मुकुंदपुर चौक टू MCD कॉलोनी नियर मॉडल टाउन, ठीक है। तो या इसका याद आपको आंसर रहना चाहिए क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका दिल्ली, ठीक है, ये जरूर सभी ध्यान रखे रहना। क्या आप मुझे बता सकते हो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स होती हैं, मैं आपके साथ डेली ये डिस्कस करती हूँ, लेकिन अगर आप में से किसी को भी याद हो कि दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में फिलहाल में कितनी सीट्स हैं। हाँ, ये देखो जितनी भी यूटीज हैं सब में आपके वहाँ पर नहीं है असेंबली, दिल्ली में है, देन आपका जम्मू कश्मीर है, इन सब ऐसी यूटीज हैं जहाँ पे आपकी असेंबली है। तो अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितनी आपकी सीट्स हैं, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ की हम बात करें तो ऐसे याद रखे रहो 77, 3 इस तरीके से याद रखे रहो,
ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये आपका लोकसभा है और ये आपका राज्यसभा है। किसकी बात हो गई? दिल्ली की बात हो गई। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट 70 होती है, लोकसभा की 7 होती है, राज्यसभा की 3 होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सवाल, यहाँ से आपसे पूछे जा सकता है, हु इज द चीफ मिनिस्टर? मिस्टर अरविंद केजरीवाल, ठीक है। गवर्नर कौन होते हैं? अनिल बैजल जी, ठीक। चलो फिर देखो, विच स्टेट विटनेस द लीस्ट नंबर ऑफ अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट एज पर द इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, ओनली ए एंड सी, ऑल ए बी एंड सी। कॉफी नहीं, चाय है, अदरक वाली चाय काफी अच्छी। हाँ, मैक्सिमम हुआ था जम्मू कश्मीर में, आपसे मिनिमम पूछा है, ठीक है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं तो जो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 है, इसको रिलीज किया गया है दिल्ली में स्थित थिंक टैंक राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अटैक्स किए गए थे, ये था आपका जम्मू कश्मीर, इसके बाद में उत्तर प्रदेश, इसके बाद में मध्य प्रदेश, ठीक है। इधर ध्यान दो, त्रिपुरा, दिल्ली, बिहार, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मैक्सिमम था। लीस्ट की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल, इन तीनों ही स्टेट में केवल एक ही ऐसा केस था जहाँ पे अटैक किया गया हो। एटलीस्ट 6 जर्नलिस्ट वर किल्ड एंड 121 जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेज इंक्लूडिंग 108 जर्नलिस्ट एंड 13 मीडिया हाउसेज न्यूज़पेपर्स वर टारगेटेड इन इंडिया। वाइल जे एंड के रिकॉर्डेड मैक्सिमम अटैक बाई स्टेट टेरर्स, त्रिपुरा हैड मोस्ट केसेज ऑफ अटैक बाई नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका ऑल, क्योंकि इन तीनों ही जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक मिला है, ठीक है। What is the outlay of a scheme of assistance to National Sports Federation for 2021-22 to 26? 2300 crore, 1575, 1750, 2000 or 1890? Yep, very good. The answer will be what? The answer will be 1575 crore. ठीक है, तो देखो, जो हमारे केंद्र सरकार है, इन्होंने अभी भी कहा है कि continue करेंगे scheme of assistance to National Sports Federation, जिसके लिए इन्होंने 1575 crore allot किया है 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल, जो कि 2021 से 2026 तक है। बेसिकली इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि अपने वहाँ पर जो गेमिंग स्पिरिट है लोगों का, जो एडवेंचर स्पिरिट है, उसको रखा जा सके, ठीक है। तो ये आपका लॉन्च किया गया था। और हमारे वहाँ पे जो स्पोर्ट्स लेवल को देखने के लिए अथॉरिटी होती है, ये कौन सी होती है? होती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके चीफ कौन होते हैं? ये होते हैं संदीप प्रधान जी। सिचुएटेड कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर, ओके। अगला देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ श्योरिटी बॉन्ड्स कैन बी इशूड बाई इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया? 10, 6, 7, 12 और 8। टेन, सिक्स, एनी वन एल्स? बी, सिक्स। अगेन दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? देखो, आंसर होगा आपका 6। देखो, जो IRDAI है, इन्होंने अलाउ किया कि स्मॉल मर्चेंट्स जो हैं, ये अब श्योरिटी बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं हम कि ये श्योरिटी बॉन्ड क्या है। जो IRDAI की गाइडलाइन है श्योरिटी बॉन्ड पे, लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये 6 टाइप के श्योरिटीज़ जो है इशू कर सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम की हम बात करें तो जो भी प्रीमियम चार्ज किया जाएगा इनकी श्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे, इसको पहली फाइनेंशियल ईयर में बता दिया जाएगा, जितने भी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह होंगे हर चीज़ को लेकर के। इसकी खास बात यह है कि इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिटन प्रीमियम ऑफ दैट ईयर, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 500 करोड़। बेसिक अगर हम लोग बात करते हैं श्योरिटी बॉन्ड का, तो ये एक तरीके का थर्ड पार्टी बॉन्ड होता है, जहाँ पे एक पार्टी जो है श्योरिटी लेता है कि अगर कल को ये आपका नहीं पैसा दे पाएगा तो वो हम अपने एंड से करेंगे, ये आपकी श्योरिटी बॉन्ड है। तो अभी IRDAI ने अलाउ कर दिया, जो स्मॉल मर्चेंट्स हैं वो भी अब इसका इस्तेमाल करके और अपने जो है कह सकते हो आप लोग सप्लायर्स या वर्क कॉन्ट्रैक्टर उनके साथ मिलकर के बेहतर काम कर सकते हैं, इसलिए इसको अलाउ किया गया। कितने टाइप का हो सकता है? 6 टाइप का हो सकता है, ये इससे एक क्वेश्चन बन सकता है जो हम लोगों ने यहाँ पे बना कर दिया आपको। देन अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है रीनेमिंग ऑफ 3 प्लेसेस इन मध्य प्रदेश, नेमली होशंगाबाद नगर एज नर्मदापुरम, शिवपुरी एज कुंटेश्वर धाम एंड बबई एज मखन नगर। बबई हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर मखन लाल चतुर्वेदी। विच फील्ड डिड ही रिलेट्स? जर्नलिज्म, थिएटर, पेंटिंग, सिंगिंग, राइटिंग? Yeah.
सो द आंसर हियर विल बी व्हाट पीपल, द आंसर हियर विल बी जर्नलिज्म. ओके, जिसे आप देख सकते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा है कि ये रीनेम करने वाले 3 प्लेसेस को मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है. और जो बाबाई जिसका नाम किया गया है मखनलाल चतुर्वेदी जी पे, ये आपके एक जर्नलिस्ट और पोएट थे, ठीक है. तो आंसर विल बी फर्स्ट. अगेन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म मीडिया यूनिट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, फिल्म डिविजन, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, डायरेक्टोरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी, नेशनल फिल्म आर्चीव. कौन सा ऐसा है जो इसमें मर्ज नहीं किया गया है? द आंसर हियर विल बी व्हाट, सब सी बता रहे हो और सब के सब गलत बता रहे हो, ठीक है. इसका आंसर ये होगा, सॉरी. जिसे आप देख सकते हो यहाँ पे, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, इन्होंने कहा था कि अभी 4 यूनिट्स को एक में मिला रहे हैं. किसको किसको? फिल्म डिवीजन, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म आर्चीव ऑफ इंडिया, ठीक है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी. इन सबको NFDC के अंदर किया जा रहा है. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके साथ ही साथ में 1304.52 करोड़ भी एलोकेट किया है 2026 तक के लिए फिल्म प्रोडक्शंस के लिए. तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, सभी लोग इसको गलत बताए हो लगभग. अगला देखो, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट. पहला क्या है, अब देखो किसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है. जो शेर बहादुर ड्यूबा भारत आए थे अप्रैल में, उसके रिस्पेक्ट में. पहला है, दोनों ही कंट्रीज ने कहा है कि मिल करके 34.9 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर रेल लिंक शुरू करेंगे. नेपाल ने ISC ज्वाइन किया और ये 105th मेंबर बन चुकी है. नेपाल दूसरी ऐसी फॉरेन कंट्री बनी है जो कि अपने वहाँ ऑपरेशनलाइज की है रुपे कार्ड. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट गलत है, सॉरी सही है. ऑप्शन देखो और आंसर करो. मुझे आंसर मिल रहा है ऑल ऑल ऑल. आर यू पीपल श्योर अबाउट इट? ध्यान से देखो भैया, क्योंकि अभी भी तुम लोग जो है थोड़ी जल्दीबाजी में लग रहा हूँ मुझे. ये वाला पॉइंट सही है तुम्हारा, थर्ड? देखो एक्चुअली ये वाला पॉइंट तुम्हारा गलत है. इसका आंसर है ओनली 1 और 2, ठीक है, बी. देखो ऐसे ही सब तुम लोग कंफ्यूजन में गलत करते हो. दोनों कंट्रीज ने कहा है कि ये मिलकर के ऑपरेशनलाइज करेंगे 34.9 किलोमीटर लॉन्ग क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक फ्रॉम जयनगर इन बिहार टू कोरथा इन नेपाल. नेपाल चौथा ऐसा देश बन गया है जो ऑपरेशनलाइज करा है रुपे कार्ड को. 3 और भी कंट्रीज हैं जो कि है भूटान, सिंगापुर और UAE. नेपाल ने ज्वाइन किया है ISA और ये 105th मेंबर बन चुकी है. दोनों प्राइम मिनिस्टर ने रिमोटली इनॉग्रेट किया है 90 किलोमीटर लंबा और 132 kV सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशन दैट विल सप्लाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड टू नेपाल्स नेशनल पावर ग्रिड. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 और 2, थर्ड वॉज रॉन्ग. इन विच सिटी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड रिसेंटली कमीशन्ड अ 300 मेगावाट सोलर प्लांट विद कंट्रीज लार्जेस्ट सिंगल एक्सेस सोलर ट्रैकर सिस्टम. बताइएगा. डी, दैट इज ढुलेरा गुजरात. वेरी गुड. सो द आंसर विल बी व्हाट? गुजरात. ठीक है, देखो जो आपकी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने कमीशन किया है 300 मेगावाट सोलर प्लांट ढुलेरा गुजरात के अंदर, ठीक है. और ये जो प्रोजेक्ट है ये जनरेट करेगा 774 मिलियन यूनिट्स रिन्यूएबल एनर्जी का एनुअली. विद द एडिशन ऑफ 300 मेगावाट द रिन्यूएबल कैपेसिटी इन ऑपरेशन फॉर टाटा पावर विल नाउ बी 3400 मेगावाट विद 2468 मेगावाट ऑफ सोलर एंड 932 ऑफ विंड एनर्जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना, ठीक है. अगला देखो फिर, नेम द बैंक दैट रिसेंटली साइंड एन MOU विद BSF टू ऑफर स्पेशल बेनिफिट थ्रू सेंट्रल आर्म सैलरी पैकेज स्कीम. यस बैंक, HDFC, SBI, एक्सिस और ICICI. ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, वेरी गुड, इसका आंसर है SBI. SBI और BSF ने मिल करके अभी अभी एक MOU साइन किया है, ठीक है. और ये इसे स्पेशल बेनिफिट्स देंगे जो भी सर्विंग और रिटायर्ड BSF पर्सनल हैं उन सभी को सेंट्रल आर्म पुलिस सैलरी पैकेज स्कीम के अंडर. ओके, फिर अगला देखो,
फिक्की के अनुसार इंडिया की जीडीपी FY23 में कितनी रहेगी? 7.6, 7.0, 6.8, 6.9, 7.4. देखो भाई, इसका आंसर क्या है बच्चों? जो फिक्की है, फिक्की ने रिलीज किया अपना इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे, जो प्रोजेक्ट किया है इंडिया की एनुअल मीडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को 7.4% FY23 में, और मिनिमम ग्रोथ एस्टिमेट है 6% की, मैक्सिमम है 7.8% की. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना FY23 के लिए किया गया है, तो दैट वुड बी 7.4, द आंसर विल बी ई. ठीक है, यस. अभी देखो, ये अच्छा सवाल है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ के तब आंसर करना. इनमें से कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है? सबसे पहला, 64th एनुअल ग्रामी अवार्ड ये MGM ग्रैंड गार्डन एरेना लास वेगास नेवाडा में पहली बार हुआ है. जॉन बेस्टाइट को 5 ग्रामी मिले हैं, ओलिविया रोड्रिगो को 3 मिले हैं. इंडियन ऑस्ट्रेलियन सिंगर जानकी ईश्वर को उनका पहला ग्रामी अवार्ड मिला है चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम कैटेगरी ओशन आइस के लिए. इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिकी केज और अमेरिकन म्यूजिशियन स्टीवर्ट को प्लांट को ग्रैमी मिला है बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए डिवाइन टाइप्स. आरूफ आफ्ताब पहले पाकिस्तानी वुमेन हुई हैं जिन्हें पहली बारी ग्रैमी मिला है. अब आपको बताना है इसमें से क्या गलत है. पहला आंसर मुझे मिला बी. ओके, और कोई? अब एक और मुझे आंसर मिला डी, और एक और आंसर मिला मुझे सी. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी. जो जानकी ईश्वर दिया हुआ है, इनकी जगह पे किसको रख दिया जाए? फाल्गुनी शाह जी को. ओके, हाँ, फाल्गुनी शाह. ठीक है, चलो देखो. इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह वन हर फर्स्ट एवर ग्रैमी अवार्ड इन बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम कैटेगरी फॉर अ कलरफुल वर्ल्ड. 64th इट वॉज हेल्ड इन लास वेगास नेवाडा फॉर द फर्स्ट टाइम. जॉन बेस्टाइट वन 5 ग्रैमी. ओलिवर रोड्रिगो वन 3 ग्रैमी. इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिकी केज अलॉन्ग विद अमेरिकन म्यूजिशियन स्टीवर्ट कोपलैंड वन इट फॉर डिवाइन टाइट. आरूज आफ्ताब फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन आर्टिस्ट टू विन अ ग्रैमी. ओके, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा. अभी देखिए, HDFC इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है, HDFC इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और HDFC होल्डिंग लिमिटेड, HDFC लिमिटेड के साथ में जो है अब ये मर्ज करने वाले हैं. ठीक है, और कहें कि अपना पूरा जो है मर्जर करेंगे HDFC बैंक में 2024 तक. मर्जर के बाद से HDFC लिमिटेड जो है कितना परसेंट स्टेक HDFC बैंक के अंदर रखेगा? यस, दैट वुड बी 41%. ठीक है, तो इनका कितना परसेंटेज स्टेक रहेगा? 41% का. ओके, हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत, दुख, परेशानी, कुछ बुरा लग रहा है? विश बैंक हैज एक्वायर्ड इंटायर कंज्यूमर बैंक बिजनेस ऑफ सिटी बैंक फॉर $1.6 billion. RBL, यस बैंक, एक्सिस, ICICI, HDFC. यस, आज के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली आसान है, इसलिए मैं अभी बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पे आप लोगों को वो नहीं कर रही हूँ, मतलब लटका नहीं रही हूँ, बिकॉज ऐसे हैं जो डूएबल है, आराम से कर सकते हो आज तुम लोग क्वेश्चन. द आंसर विल बी वॉट, हाँ, कौन सा? ये हम लोग डेली अपने सेशन में लगभग रिविजन कर लेते हैं इसकी. द आंसर विल बी वॉट, द आंसर विल बी एक्सिस बैंक. ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, सिटी बैंक ने कहा है एक्सिस बैंक को, ये अपनी जितने भी इनकी इंडियन बिजनेस है ये सेल कर रहा है फॉर $1.6 million, सॉरी, रिटेल कंज्यूमर अकाउंट, कंज्यूमर लोन एंड वेल्थ मैनेजमेंट फॉर $1.6 billion. जो डील है ये एक्सक्लूड करेगा सिटी बैंक के इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट बिजनेस को भारत के अंदर. ये सबसे बड़े डील्स में से एक है बैंकिंग स्पेस के अंदर. सिंस द एक्विजिशन ऑफ ING वैस्या बाई कोटेक महिंद्रा इन 2014 बाई फॉर ₹15,000 crore. तो आपको ये याद रखना होगा कि अभी तक जो है इसके पहले कौन सा ऐसा एक्विजिशन हुआ था, या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहले जो ING वैस्या हुआ करता था वो अभी फिलहाल में किस बैंक के अंदर मर्ज हो चुका है, या किस बैंक ने इसको लिया था. ठीक है, तो ऐसे सवाल आपसे बन सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके का एक नया डील अब जो है एक्सिस और सिटी बैंक कर रहे हैं, तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं. ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर लॉन्च द वेबसाइट टेम्पल 360 टू ऑफर ई दर्शन एट पिलग्रिमेज सेंटर्स. हु इज द करेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर? राव इंद्रजीत सिंह, मीनाक्षी लेखी, जितेंद्र सिंह, अन्नपूर्णा देवी और नित्यानंद राय.
हाँ, सो द आंसर विल बी व्हाट? इसका आंसर होगा आपका मीनाक्षी लेखी। चलो अभी के लिए आज इतना सेशन रखते हैं, फिर हम लोग अपने अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, विल मीट यू पीपल अगेन। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, लव यू पीपल।